औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी, सदर आल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत हैदराबाद की आवाम, खुसूसन तेलंगाना के उन जहदकारों से मुखातिब हूँ जो वक्फ जायदाद के लिए जो है जद्दोजहद करते हैं और उनके जद्दोजहद जो है कामयाब हुई या नहीं हुई वो लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस महकमे में CEO मौजूद ना हो और वक्फ के जायदादें जो तल्फ हो रही है उसका ज़िम्मेदार कौन है, और KCR साहब तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाना चाहते हैं लेकिन सुनहरी तेलंगाने में जो है मुसलमानों के जो मसाइल है उसको हल करना नहीं चाहते, और वो हमारे कायदीन जो तनख्वाह आप हम मैं मुलाजमीन समझता हूँ और हुकूमती सतह पे मौजूद है वो भी वक्फ के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करते, और जो आवाम को सिर्फ तसल्ली देके और तकरीरें करके जो है झूठे अंदाज से जो है मुतमईन करना चाहते हैं। क्या हैदराबाद की वक्फ जायदादों के सिलसिले में हम लोग बहुत जद्दोजहद करें, कब्रस्तानों के सिलसिले में कब्रस्तान वक्फ बोर्ड 10 एकड़ ज़मीन पहाड़ी शरीफ पे दिया और उसका जो हम ये मार्किंग करके आप हवाले कीजिए तो उन्होंने कोई मार्किंग नहीं की बल्कि हम जहदकारों के ख़िलाफ़ FIR बुक कराए, और ये जो हमारे कायदीन जो है जो ये वादा करते हैं कि हम जो है कब्रस्तानों की हिफाजत करते हैं, हम वक्फ जायदादों की हिफाजत करते हैं, हम जो है अक़लियत और मुसलमानों की हिफाजत करते हैं, उनका कोई रोल नहीं है। आप हम जो है हुकूमत से ये मतालबा कर रहे हैं, खुसूसन माइनॉरिटीज़ का मिनिस्टर जनाब ईश्वर साहब से हमारा मतालबा है कि आप जो है CEO के मसले को तय करें, डिप्टी सेक्रेटरी के अहदे पर जो है किसी मुसलमान जो है अहदेदार का तकर्रुर करें जो दयानतदार हो और जो वक्फ की हिफाजत करता है। कई सैकड़ों दरख्वास्तें मुतवल्लीशिप की जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, कोई जो है उसका जो है सुनवाई करने वाला नहीं है, और जो 5,000 रुपये मौता फंड के लिए दिए जाते थे गरीबों और मिडिल क्लास को वो भी बंद कर दिया गया, और कोई एम्बुलेंस नहीं है हमारे नान मुस्लिम बिरादर्स की जानिब से। हैदराबाद में 12 एम्बुलेंस है जो शमशाम घाट ले जाते हैं। मैं मौजूदा चेयरमैन साहब से मेरी ख्वाहिश है कि वो इस मसले पे गौर करें और हम तहरीरी तौर से उनसे नुमाइंदगी करना चाहते हैं और हमें चाहते हैं कि वो इजलास में हमको बुलाएं ताकि हम वो अराकीन वक्फ बोर्ड से भी गुफ्तगू कर सकें। खुदा हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज ज़रीना बेगम बंडलागुड़े से काफ़ी महिलाओं के साथ पार्टी ज्वाइन करे हैं हमारे पास, ऑल इंडिया मजलिस इंक़लाब मिल्लत पार्टी, हम उनको वेलकम करते हैं और उनका जो है सो उनको आगे चलकर इंशाल्लाह ताला बड़ा पोस्ट देने का तय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब जैसा कि आज की टॉपिक वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड पे जायदाद कितने हज़ारों करोड़ की जायदाद पे नाजायज़ कब्ज़े है, आप सबको मालूम है, ये करोड़ों करोड़ों की जायदाद है जहाँ पर जो है सो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स बैठे हुए, जैसे कि जाहिद अली खां हैं, शाह आलम है, विरासत रसूल खां हैं, ऐसे अगर मैं नाम लेने बैठा तो शहर के जो बड़े बड़े जो है सो टाइकून्स है आज जो है सो वक्फ के जायदादों पे नाजायज़ कब्ज़े आप करके बैठे हुए। तो मैं वक्फ बोर्ड को ये CM साहब से अपील करता हूँ कि जुडिशरी पावर्स दिया जाए। अगर वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर्स दिया जाता है तो जो है सो बहुत ही काम में आता है और जो है सो विदाउट एनी प्रॉब्लम जल्दी एक्शन ले सकते वक्फ बोर्ड। जुडिशरी पावर्स आ गए तो मैजिस्ट्रियल पावर्स हो जाते उसके, ये तो देते नहीं, खाली वायदा करते, झूठे वायदा करते KCR साहब कि हम उसको जुडिशियल पावर्स देंगे, आज तक के नहीं दिए। और ऐसे एक प्रॉपर्टीज़ है जो हज़ारों हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है आज जो है सो वक्फ के हाथ में नहीं है, वक्फ के हाथ से निकल चुकी है। और वक्फ बोर्ड की सुमे बड़ी बदनसीबी ये है कि वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम को लॉक कर दिया, 4 साल से वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम को लॉक कर दिया। ये लॉक होने की वजह से वक्फ बोर्ड के काउंसिल्स जो है सो कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सक रहे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, बल्कि क्यों बोलते हर रिकॉर्ड रूम में है। और इसके लिए हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया
और अल्हम्दुलिल्लाह एक सुनवाई हुई इसके ऊपर और काउंटर फाइल करो बल्कि गवर्नमेंट को हिदायत दी गई कोर्ट से, लेकिन आज तक काउंटर भी फाइल नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो है सो मैं ख़ास तौर से ऐसे लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिसकी नज़र में जहाँ कहीं भी वफ़ के जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ेदार है, हमारे ऑफिस से रुजू हुई है। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम फ्री करेंगे काम। अल्लाह के लिए अल्लाह की जायदाद होती है वक्फ, वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, और वक्फ की जायदाद अल्लाह की जायदाद होती है और अल्लाह की जायदाद को हिफाजत करना हर वो मुसलमान का फ़र्ज़ होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है सो काम करेंगे, वक्फ की जायदाद बचाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की नज़र में, किसी की नज़र में वक्फ की जायदाद कोई कब्ज़ा करके बैठा हुआ है तो आइए, हम आपको लीगल सपोर्ट करेंगे, हमारी पूरी टीम काम करेंगी और मैं जिसके नाम आ लिया फिर से हम उनके रिट फाइल करेंगे, पिल फाइल करेंगे और वक्फ़ की जायदाद वक्फ़ के हवाले करेंगे। अल्लाह की जायदाद अल्लाह को मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़रीना बेगम बल्लागुड़े से। आज मेरे को खुशी हुई ऑल इंडिया मैं मस्जिद से इनकलाब पार्टी से ज्वाइन हो गए, मेरे को बड़ी खुशी हुई। और तकरीबन महिला के काउंसलिंग करती हूँ, बेवाओं का हक दिलाती हूँ और अच्छे से वर्क करती हूँ और हमारे साहब से मिलके आज सदर साहब से मिलके खुशी हुई, आज जॉइंट हुई मैं। इंशाल्लाह इनके साथ मिलके काम करना चाह रही हूँ। और जो बेवाओं का हक़ नहीं मिलता, जो बेवाओं को पेंशन नहीं मिलता, उसमें भी बहुत सारे मैं हेल्प करती हूँ, लेडीज़ की बेवाओं की हेल्प करती हूँ। और तकरीबन NGOs में जाके, यतीम खाने में जाके, दवाखानों में जाके बहुत सारे काउंसलिंग करती हूँ, देखती हूँ क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। और तकरीबन जो भी मेरे साथ जॉइंट होना चाह रही यहाँ पर आ सकते हैं, मेरे को यहाँ पर एक अच्छा सा मुकाम दिए, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी तहे दिल से। अल्लाह हाफ़िज़।